अब पूरी डालेंगे। मैंने एक मसाला बनाया है, मैं इसको हमारी पूरी पे स्प्रिंकल कर दूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलाइट योर टेस्ट बर्ड्स। आज मैं वर्की पूरी बना रही हूँ, जिसको लेयर्ड पूरी भी बोलते हैं, जो बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी बनती है। ये एक ड्राई स्नैक्स है जो आप कभी भी चाय और कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हो। ये बनाना बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा मेजरमेंट का और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। तो चलिए वर्की पूरी बनाना शुरू करते हैं। वर्की पूरी बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें मैं 1/4 कप रवा डाल रही हूँ। हमको बारीक रवा लेना है, जिसको चिरोटी रवा बोलते हैं। फिर मैं उसमें 1 स्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ, 1 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। आप पाउडर की जगह पे जीरा और ब्लैक पेपर को थोड़ा कूट के भी डाल सकते हो, जैसा आपको पसंद है वैसे डाल सकते हो। फिर मैं 1 स्पून अजवाइन डाल रही हूँ, ऐसे मसल के डालेंगे। अब मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, 1.5 स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, और आपको पसंद है तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। घी को मैंने गरम किया है, गरम घी डालने से पूरी क्रिस्पी बनेगी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना लेंगे। पहले तो ये सब मिक्स कर देंगे अच्छे से। सारे फ्लोर पे घी लग जाना चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये ऐसे करने से हाथों का शेप आ रहा है ना, बस इतना ही घी डालना है हमको, ये परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाएंगे। डो को हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो डो बन गया है हमारा, मैंने 3/4 कप पानी का यूज़ किया है। अब हम थोड़ा सा घी हाथों में लगा के हमारे डो का 2 से 3 मिनट तक नीडिंग करेंगे अच्छे से, उससे हमारा डो सॉफ्ट और स्मूथ बन जाएगा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, 2 से 3 मिनट तक नीडिंग करना है। तो मैंने 3 मिनट तक डो को नीड कर लिया है। अब थोड़ा ऑयल लगा के, ऐसे ऊपर ऑयल लगा के इसको ढक के 15 मिनट रेस्ट देंगे। तो जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हमें एक पेस्ट बना लेते हैं, जो हम पूरी बनाते वक्त यूज़ करेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए मैं 3 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। अब मैं उसमें 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर डाल रही हूँ। अब हम मिक्स कर लेंगे। राइस फ्लोर की जगह आप कॉर्न फ्लोर का भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा राइस फ्लोर और ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा स्मूथ है ये। तो टोटल मैंने 2.5 टेबलस्पून राइस फ्लोर डाला है। ऐसा पेस्ट बनाना है, तो पेस्ट रेडी है। तो 15 मिनट्स हो चुकी है, हमारा डो रेडी है। अब हम इसमें से पेड़े बना लेंगे, इसमें से 6 बड़े बड़े पेड़े बनेंगे। सारे पेड़े बन गए हैं।
अब हम इसको बेलते हैं। इसको बड़ा बेलेंगे, रोटी से भी बड़ा, और मीडियम साइज का बेलेंगे, ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा थिन भी नहीं। तो एक लेयर रेडी हो गया है हमारा। पहले ऐसे तीन लेयर बनाएंगे। तो हमारे तीन लेयर रेडी है। अब मैं इसमें पेस्ट लगाऊंगी जो हमने घी और राइस फ्लोर से बनाया है। ऐसे पूरे में लगा देना है, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरा लेयर रखेंगे। मैंने सेम साइज के बना लिए हैं तीनों लेयर। इस पे भी पेस्ट लगाएंगे। अब मैं तीसरा लेयर रख रही हूँ, इस पे भी पेस्ट लगा लेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से लगाना है वरना लेयर अच्छे से नहीं बनेगा। अब हम इसका रोल बना लेंगे। ऐसे करके टाइट रोल बनाना है। अगर रोल टाइट नहीं होगा तो हमारे लेयर खुल जाएंगे। ऐसे रोल कर देना है, ऐसे हल्के हाथों से रोल कर लेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। अब हमारा रोल रेडी है। अब हम रोल को कट करेंगे। ये बॉर्डर वाला निकाल लेंगे, ये हम दूसरी पूरी में यूज़ कर लेंगे। अब आधा इंच जितना कटिंग करेंगे। ऐसे सारे रोल को कटिंग कर लेंगे। ये बॉर्डर वाला निकाल लेंगे। तो हमारे पेड़े रेडी हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे लेयर दिख रहे हैं। अब हम इसको बेलेंगे। अभी जो ये एंड है ना, उसको हम थोड़ा सा ऊपर की साइड रखेंगे, थोड़ा सा, तो खुले नहीं, और ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे। अब हम इसको बेलेंगे। अच्छे से प्रेस करते जाएंगे और अच्छे से हल्के हाथों से बेल लेंगे। ज़्यादा थिन नहीं करना है, बस हो गया ऐसे। कितने मस्त लेयर दिख रहे हैं। हमने जो रोल बनाया था उसमें से इतनी पूरी बनी है। अब जो दूसरे तीन पेड़ हैं उसको भी सेम तरीके से रोल बना के पूरी बना लेंगे। मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म रखना है। अब पूरी डालेंगे। देखिए ऐसे धीरे धीरे पूरी ऊपर आए ना, उतना तेल गरम रखना है। और इधर एक बात का ध्यान रखना है कि हमें एक साथ ज़्यादा पूरी को नहीं डालना है। अब हम इसको पलटेंगे। ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। हमारी सारी पूरी रेडी हो गई है, प्लेट में निकाल लेती हूँ।
मैंने एक मसाला बनाया है जिसमें मैंने रेड चिली पाउडर और ब्लैक सॉल्ट सेम अमाउंट में लिया है और मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको हमारी पूरी पे स्प्रिंकल कर दूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारी वर्की पूरी रेडी हो गई है। आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।